राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। दोस्तों, कोविड चल रहा है, सभी भाई घर पर रहें, मास्क लगा कर रखें, क्योंकि मैं तो भाई घर पे ही शूट कर रहा हूँ, अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो डबल मास्क पहन कर रखता हूँ। आप भी पल पल हाथ सैनिटाइज करते रहें, सबको मिलके इस कोविड के साथ लड़ना है। दोस्तों, आज जो वीडियो हम बना रहे हैं उसमें सागर मर्डर केस में बहुत बड़ी अपडेट आई है। सुशील कुमार की मुसीबतें बढ़नी तय हो गई हैं, अब उनका अरेस्ट या सरेंडर करना लगा लो बिल्कुल तय हो गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस टाइम फुल एक्शन में है। दोस्तों, तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है। कौन है वो तीन लोग, क्या उनका लिंक है सुशील कुमार के साथ, वो आपको बताएंगे। उसी के साथ चार गाड़ियां और जब्त हुई हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे, तथा पुलिस कोर्ट पहुंची और सुशील कुमार के साथियों के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई करवाई है, उसके बारे में आपको बता दें। वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो लाइक करें अगर आपको पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन जरूर दबाएं अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो। दोस्तों, कल तीन लोगों को अरेस्ट किया दिल्ली पुलिस ने, जिसमें एक पहलवान है, भूरा पहलवान, और दो लोग हैं जो उनके नाम दिल्ली पुलिस ने अभी सामने बताए नहीं है मीडिया को, उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन है इसकी वजह से। तो दोस्तों, जो भूरा पहलवान है ये वही पहलवान है जो 4 मई के बाद जो एक कांड हुआ था, हत्याकांड, जिसमें सुशील कुमार का नाम है। सुशील कुमार को वो भगा कर यहाँ से हरिद्वार ले गया था, उत्तराखंड, और जिसके बाद से ही एक बार लोकेशन वहाँ आई थी सुशील कुमार की, बट उसके बाद सुशील कुमार के तीनों फ़ोन बंद हैं और उसके साथियों के भी फ़ोन बंद हैं। तो दोस्तों, ये भूरा पहलवान वही है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और दो लोगों को और अरेस्ट कर लिया है। अगर बात करें भाई, कल चार गाड़ियां भी जब्त करी दिल्ली पुलिस ने, इसी के साथ अब तक टोटल 9 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। चार गाड़ी 4 मई को ही रात को जब प्रिंस दलाल अरेस्ट हुआ था तब जब्त हुई थी, और 4 अब हुई हैं, बीच में एक गाड़ी और जब्त हुई थी। उस दिन जब प्रिंस दलाल अरेस्ट हुआ था तब 2 SUV, एक होंडा सिटी और एक अल्टो, ये 4 गाड़ियां उस दिन हुई थी भाई जब्त। टोटल अब तक 9 गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस भाई पूरे एक्शन में है, और पहले तो लुकआउट सर्कुलर सुशील कुमार के खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद अब लुकआउट के ये होता है कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकते। इसके साथ ही कल सोमवार को दिल्ली पुलिस कोर्ट गई, मॉडल टाउन की पुलिस, और वहां पर उन्होंने सुशील कुमार के 7 साथियों के खिलाफ, जिसमें मोहित, भूपेंद्र, अमित, डॉली एसेट्रा, ये जितने भी हैं, इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भाई ये ले लिया है, और अब इनको भाई ज़्यादा दिन तक ये नहीं बच सकते, सुशील कुमार खुद भी नहीं बच सकते। पुलिस बहुत तगड़ी कार्रवाई में लगी हुई है, 20 से ज़्यादा लोगों तक से अब तक पूछताछ हो चुकी है, जिसमें सुशील कुमार के रिश्तेदार, सुशील कुमार के ससुर सतपाल जी, और सुशील कुमार का जो साला है लव सहरावत, इन सबको से पूछताछ दिल्ली पुलिस ने अब तक करी है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। शाम को एक वीडियो आएगी पपला गुर्जर की, जो स्टोरी है सारी लव स्टोरी, वो जिया के फ्रेंड ने जो हमें बताई है, जो उनसे हमारी बात हुई है, उनका एंगल बताएंगे कि जिया ने जो कहानी हमें सुनाई है वो भी आप ज़रूर सुने भाई। शाम को 7 या 6 बजे वो वीडियो आ जाएगी, तो चैनल पर बने रहें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।